हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक शर्मा। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो आज है 12th of August। तो हम जा रहे हैं वृंदावन। अभी टाइम हो गया है सुबह के 11:30 के राउंड। तो हम लोग 1 बजे तक निकलने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 4 बजे तक तो मंदिर ही बंद होते हैं वृंदावन में दिन में। तो उसके बाद दर्शन करेंगे। तो चलो अभी सारी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं और बैग वगैरह पैक करते हैं और निकलते हैं फिर 1 बजे तक। तो गाइस, फाइनली मैं शहर लेके रेडी हो चुका हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया है। अब बस मोटी मोटी पैकिंग करनी बची है। कैमरे का सामान रखना है और थोड़ा बहुत रास्ते के लिए सामान रखते हैं और चलते हैं, क्योंकि रुकना तो है नहीं, आज ही वापस आ जाएंगे हम। तो बस थोड़ा बहुत ही सामान है, तो सब कुछ रैप अप करते हैं और निकलते हैं। सो ये है मेरे आज का आउटफिट, लाइट येलो कुर्ता और साथ में ब्लैक जीन्स। तो चलो अब बाकी काम करते हैं एंड देन फिर जल्दी से निकलते हैं। सो फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं टुवर्ड वृंदावन। तो रेडी हो सब लोग? राधे राधे। तो हरे कृष्णा। तो चलो अब जल्दी से सामान को गाड़ी में रखते हैं एंड देन निकलते हैं और गाड़ी में मिलते हैं। बाय बाय। हरे लाल की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो आज हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन कृष्ण नगरी। तो गाइस, जैसे हमने पिछले ट्रिप में बोला था कि पापा का बहुत ज़्यादा मन था जाने का उत्तराखंड एंड देन हम लोग प्लान करके गए। इस बार है मैडम का मन जाने का वृंदावन, मतलब बन था बहुत टाइम से। तो फिर फाइनली पापा को कन्विंस कर लिया दीदी ने। एक दो महीने से मैं पीछे पड़ी हुई थी। फाइनली आई यूज्ड टू गो टू हिज रूम एवरी डे और रोज बोलती थी वृंदावन जाना। फाइनली अब जा रहे हैं। तो फाइनली अब हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे चढ़ चुके हैं। अब एकदम मस्त रोड मिलने वाली है, एकदम स्मूथ। तो आज हमने हमारी कार का एक और नया फीचर ट्राई किया है, क्रूज़ कंट्रोल। अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया था। तो 88 पे हमने कार को क्रूज़ पे लगा रखा है। मैं ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूँ, देखो 88 पे क्रूज़ चल रहा है। और जैसा कि अभी भावना ने मेंशन किया कि उसके पैर्स फ्री हैं, पैर्स फ्री कंट्रोल पे अभी हम लोग क्रूज़ कर रहे हैं 88 पे। अब कह रहे मम्मा को चक्कर्स ना आ जाए। हम कुछ कहोगे मम्मी? My both legs are free actually. So ये है हमारे राइट में गौतम बुद्ध सर्किट और ये नोएडा का दिल्ली NCR में एक ही रेसिंग ट्रैक है। आई डोंट नो ब्रेस्ट इंडिया में है नहीं, बट हाँ सारे इवेंट्स F1 के भी, मोटो मतलब बाइक्स के सारे रेसिंग वगैरह इवेंट्स दिल्ली NCR के गौतम बुद्ध सर्किट में ही होते हैं। ये UP में है और रफली बोलूँ तो नोएडा से 25-30 किलोमीटर्स की ड्राइव पे है। तो मोस्टली जो भी सुपर कार ओनर्स हैं और बाइक राइडर्स हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं वीकेंड्स पे राइड करके, एंड जब कोई स्पेशल इवेंट होता है तो यहाँ पे फिर एकदम क्रेजी भीड़ होती है गाइस, बहुत ज़्यादा। सो ये रहा गौतम बुद्ध सर्किट का बोर्ड और यहाँ से अगर आप लेफ्ट ले लोगे तो आप गौतम बुद्ध सर्किट चले जाओगे। जैसे मैंने पीछे दिखाया उससे हम करीब 1 किलोमीटर ही आगे आए थे और यहाँ से आपको नीचे से यू टर्न लेना होगा एंड देन आप सीधा मतलब गौतम बुद्ध सर्किट के अंदर जाओगे, उनकी प्राइवेट रोड है। सो गौतम बुद्ध सर्किट के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं, आप इनकी मेंबरशिप लें एंड देन आप लोगों को ये इनके अंदर लेवल्स होते हैं, पहले बाइक लेवल 1, 2, 3 ऐसे करके। तो अब जैसे जैसे आप पास करते जाओगे आपको नेक्स्ट लेवल में प्रमोट करते हैं। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम
राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। गाइस फाइनली हम लोग हाईवे से नीचे आके साइड में स्लिप रोड पे आ चुके हैं। तो अब बस हम पहुंच गए हैं कृष्ण भगवान की नगरी वृंदावन कृष्ण धाम। तो चलो बस अब मंदिर पहुंचने वाले हैं हम। हार्डली 10 मिनट का रास्ता रह गया तो आगे मिलते हैं अब। सुबह इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके आगे का डेटा हो गया था करप्ट, क्योंकि वो मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था और मेरा SD कार्ड जो था वो ख़राब हो गया। तो ऑलरेडी मेरा मूड काफ़ी ख़राब है इस चक्कर में, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और ये स्टोरी मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताई थी, अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में अभी लिंक दे दूँगा उसका, तो आप देख लेना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। बट हाँ, कुछ फोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं प्रेम मंदिर की, इस्कॉन टेम्पल की एक फ़ोटो है, सो आई एल शो यू गाइज दैट, एन्जॉय दैट। एंड हाँ, अब ये ट्रिप पे ये इंसिडेंट हो गया था, बट कोई बात नहीं, अब घर वालों को फिर से मनाएंगे, दोबारा ट्रिप करेंगे, एंड देन अगली बार अच्छे से दर्शन करेंगे वृंदावन के और आपको भी कराएंगे। डिनर के लिए सर्विस स्टेशन में, तो अभी डिसाइड तो किया नहीं है खाना क्या है, बट पहले वॉशरूम जा रहे हैं एंड देन डिसाइड करते हैं क्या खाना है आज। सो अभी हम लोग फूड कोर्ट में रुके थे, पिज़्ज़ा से ऑर्डर करा है, और एक आंटी ने इतना टाइम लगा दिया अपना ऑर्डर देने में, मैं 10 मिनट तो काउंटर पर खड़ा रहा हूँ, बल्कि और कोई नहीं था काउंटर पर। अब 10-12 मिनट वो और लगाएंगे फिर खा के निकलेंगे, और टाइम हो गया है 9 बज गए हैं, हम 8 बजे निकले थे। आने में तो हमें ट्रैफिक से निकलने का सिर्फ 20 मिनट लगे, बट ट्रैफिक में इतना टाइम लगे था, फिर यहाँ पे 10-15 मिनट फालतू के वेस्ट हो गए। चलो वेट करते हैं। भाई टाइम हो गया रात के 9:35, खाना हो गया डन, अब बस निकल रहे हैं जल्दी से, घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगा, आज तो आराम से 11:30 बजने वाले हैं, क्योंकि रात में ज़्यादा तेज चला भी नहीं सकते क्योंकि ट्रक वाले इतनी गंदी चला रहे होते हैं, तो वो भी देखना पड़ता है। तो अब जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि कल सुबह मेरा मैच है, और मैं आज सुबह भी क्या कहते हैं आज तो नहीं हाँ कल रात को भी मैच खेल के आया था, देन आज ट्रैवल किया, अब कल सुबह मेरा फिर मैच है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है मेरा शेड्यूल तो। एंड देन कल फिर मेरी क्लासेस भी होंगी क्योंकि वीकेंड है, तो 5 घंटे की मेरी क्लासेस होंगी, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन होने वाला है, तो जल्दी घर चलते हैं अब। तो बस फूड कोर्ट से अभी हम निकल रहे हैं एंड अब नॉन स्टॉप घर जाएंगे, एंड ये रे मम्मा पापा हेलो। एंड आज है 2022 का लास्ट सुपर मून, तो वो भी काफ़ी अमेजिंग लग रहा है,
मैं इसकी एक फ़ोटो ऐड कर दूंगा, बट आज परफेक्ट शेप में है। देखो मून, मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक करी है, तो मैं वो फ़ोटो ऐड कर दूंगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. So, car basement में लगा दिया है, अब बस ऊपर जाते हैं lobby में। पहले zero floor पे भी जाना है, ground floor पे दो parcels आए थे मेरे पापा ने कपड़े order करे थे, तो वो receive करने हैं। गार्ड ने पिक कर लिए थे प्रियो बॉय से, बस अब पहले पास लेते हैं देन ऊपर चलते हैं। गाइस इतना थक हार के हम आए, ठीक है, और मम्मी कहती घर की चाबी नहीं मिल रही, फिर कहती गाड़ी में छोड़ दी, और मैं जा रहा था तो एक मिनट लगाने के बाद कहती रुक जा, फिर कहती अच्छा मिल गई चाबी, तो घर आते ही फ्रैंक भी हो गया इतने सबके बाद। फाइनली गाइस घर पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक गए, टाइम भी ज़्यादा हो गया, 12 बज गए ऑलमोस्ट ऊपर आते आते। तो अब मैं सबसे पूछता हूँ कैसी रही ट्रिप, अब मम्मा कैसी लगी ट्रिप? ट्रिप तो बहुत अच्छी थी बट मैं थक गई। पापा? अरे यार वो बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा तीर्थ अपना घर होता है, घर में आती जो शांति मिलती है। तीन मंदिर गए, बहुत भीड़ थी, बहुत क्राउडेड था, अच्छा लगा ट्रिप, अच्छा रहा, बट घर में आके बहुत शांति मिलती है। अब मैं दबा के सोऊंगा। किट्टू? किट्टू तो जिंदा ही नहीं है। आवाज आएगी नहीं, बट मुझे शांति मंदिर में ही मिली थी जाके, मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी, तो फाइनली आज पहुंच गए। और प्रेम मंदिर में राम जी के। हाँ, ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छी रही। तो चलो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को एंड। अगली वीडियो देखो कब आती है, कब ले जाओगे? तब आ जाएगी अगली वीडियो। तो चलो इसी नोट पे वीडियो करते हैं एंड। I hope you guys like the video. Please like, share and comment on all my videos and subscribe to my channel and press the bell notification on so you guys never miss an update. See you guys. Bye bye.